नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। व्यवसायी चंद्रशेखर मंडल हत्याकांड का नवगछिया एसपी निधि रानी ने किया खुलासा, जेल में रची गई थी हत्या की साजिश, एक अपराधी गिरफ्तार। 3 दिवसीय विक्रमशिला महोत्सव के दूसरे दिन कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन, स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति ने मोहा दर्शकों का मन। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री विनोद सिंह कुशवाहा पहुंचे भागलपुर, सम्राट जागृति मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। 1 सप्ताह बाद भी शुरू नहीं हुई है कॉपी बिक्री मामले की जांच, कार्यक्रम में एक ही मंच पर दिखे प्रभारी कुलपति और जांच कमेटी के सदस्य। और भागलपुर शाह मार्केट में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन, सज्जादा नसी ने दिया शांति और भाईचारा का पैगाम। अब समाचार विस्तार से। नवगछिया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 23 नया टोला में बीते 26 फरवरी की शाम व्यवसायी चंद्रशेखर मंडल की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड मामले में नवगछिया पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों की पहचान कर ली। इसके बाद शनिवार को छापेमारी कर नवगछिया पुलिस ने घटना में शामिल गोपालपुर निवासी शूटर लवन यादव को एक देसी कट्टा, एक खोखा, एक मोबाइल और एक पल्सर मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया। नवगछिया एसपी निधि रानी ने बताया कि जेल के अंदर से ही राजेश यादव ने षड्यंत्र रचकर अपने भांजा मंटू यादव से व्यवसायी चंद्रशेखर मंडल की हत्या कराई। एसपी ने कहा कि मामले में पीयूष यादव, साजन सिंह एवं दिलखुश यादव के शामिल होने की बात सामने आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिसिया अनुसंधान में पता चला है कि मर्डर की साजिश रचने मंटू यादव 21 एवं 23 फरवरी को जेल में राजेश यादव से मिलने गया था। पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन, एक बिना नंबर का, एक काला रंग का अपाची जो कि गोपालपुर वाली लूट की घटना में इस्तेमाल हुआ था, और साथ ही इनके जो इनसे पूछताछ हुई है तो पूछताछ के क्रम में कई सारी लूट की घटनाएं जो कि नवगछिया या जो आसपास के जो थाने हैं उनमें घटी थी उनका भी उसमें उद्भेदन हो गया है। गोसाई गांव में जो घटना घटी थी उसमें नीरज यादव, साजन सिंह और दिलखुश यादव, इन तीनों ने मिलकर उस घटना को अंजाम दिया था। इनके द्वारा जो नीरज यादव है ये अररिया से भी 2017 में जो है एक बार जेल गया था आर्म्स एक्ट के केस में, इसके ऊपर वहां पे हुआ था हथियार इसके पास पकड़ाया था। इस्माइलपुर में नवंबर माह में एक छिनतई की घटना हुई थी जिसमें लगभग 97,000 रुपए एक सीएसपी संचालक से छीने गए थे, तो उसमें भी इनका इनकी पहचान भी हो गई है और इन्होंने कन्फेस भी किया है कि इनके द्वारा ये घटना की गई थी। उसमें इनके साथ में दिलखुश यादव और ये लवन कुमार थे जो कि नौगछिया थाना में पकड़ाए हैं। तो जो गिरफ्तारी हम लोगों की कल हुई है इससे कई सारे न केवल जो कांड है उनका उद्भेदन हुआ है बल्कि एक गिरोह जो मतलब सक्रिय था, जिनका कुछ ऐसे गिरोह में ऐसे हैं जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जिनके ऊपर भी हम लोगों की नज़र नहीं थी, तो ऐसे भी कुछ लोगों का इसमें पता चला है। तो उम्मीद है कि जो बाकी बचे हुए अपराधी हैं उसको भी हम लोग जल्दी ही इसमें गिरफ्तार कर लेंगे। कहलगांव के अंतिचक में आयोजित विक्रमशिला महोत्सव के दूसरे दिन संत जोसेफ स्कूल के छात्र छात्राओं ने गणेश वंदना की प्रस्तुति से रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत की, जबकि आरओसीडी ग्रुप पकड़तल्ला के बच्चों ने गणेश वंदना पर सामूहिक नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। इस दौरान वंदे मातरम, जय भारती एवं गणपति बप्पा मौर्या गानों पर ग्रुप डांस की प्रस्तुति दी गई, जबकि एसके एकेडमी के छात्रों ने भांगड़ा और मुंबई की गायिका पूजा चटर्जी ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में अंगिका भाषा में भी कलाकारों ने प्रस्तुति दी, जबकि संस्कृत एवं पाली भाषा के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय में संस्कृत एवं पाली भाषा में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। मौके पर कई अधिकारी, अतिथि एवं काफ़ी संख्या में बच्चे मौजूद थे। नाथनगर ललमटिया स्थित नरसिंह बाबा स्थान में रविवार को सम्राट जागृति मंच के बैनर तले वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य सरकार मंत्री विनोद सिंह कुशवाहा ने कहा कि सम्राट जागृति मंच का उद्देश्य समाज में शिक्षा की ललक पैदा करना और समाज के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचाना है। इस मंच के द्वारा छात्रों का हौसला बढ़ाने हेतु समय समय पर पुरस्कार वितरण व आदि कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जो काफी सराहनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना शिक्षा के समाज की उन्नति नामुमकिन है। मौके पर TNB कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर RPC वर्मा, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र महतो, जागृति मंच के अध्यक्ष अमरकांत मंडल, लोजपा के जिलाध्यक्ष अमर कुशवाहा सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज इस भागलपुर की धरती पर आना, यहाँ के सम्राट अशोक जागृति मंच के आदरणीय पदाधिकारियों ने आमंत्रण देकर उन लोगों ने हमें बुलाए हैं और ये मालूम हुआ कि यहाँ पर
कुशवाहा समाज की ओर से जिला स्तरीय सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तिलकमान जी, भागलपुर विश्वविद्यालय की पुरानी परंपरा रही है कि कोई मामला उजागर होने के बाद यहाँ के अधिकारी सबसे पहले एक जांच कमेटी बनाते हैं, इसके बाद मामले की लीपापोती करने के लिए एक पखवारा या इससे अधिक का समय कमेटी को दिया जाता है। इसके बाद विश्वविद्यालय के वरीय पदाधिकारियों की इच्छानुसार जांच कमेटी मामले की रिपोर्ट अधिकारियों को सौंप देती है। ऐसे एक नहीं कई मामले हैं जिसमें जांच पड़ताल के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई है। इसी कड़ी में शनिवार को भागलपुर के मड़वाली कॉलेज में TMBU कॉपी बिक्री मामले की नई तस्वीर देखने को मिली। मंच पर सेमिनार में कॉपी बिक्री और जांच मामले से जुड़े चार अफसर एक साथ दिखे। TMBU में बिना परचेज एंड सेल कमेटी और बिना टेंडर के कॉपी बिक्री का प्रस्ताव लाने वाले प्रतिकुलपति प्रोफेसर रामयतन प्रसाद, अप्रूवल देने वाले कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय और फिर मामले की जांच में शामिल वित्त परामर्शी पद्मकांत झा और मड़वाली कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार ने एक साथ मंच साझा किया और जांच का आदेश देने वाले प्रभारी कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय को खुद जांच कमेटी में शामिल सदस्यों ने अंगवस्त्र देकर स्वागत किया। अब सेमिनार की इस वीडियो से आप खुद समझ सकते हैं कि कॉपी बिक्री मामले की जांच किस दिशा में की जा रही है और इसका परिणाम क्या आएगा। तस्वीर से स्पष्ट होता है कि जांचकर्ता अधिकारियों के प्रभाव के बिना अपनी जांच कैसे पूरी कर सकेंगे। कॉपी बिक्री मामले की कितनी निष्पक्ष रिपोर्ट सामने आएगी यह तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल एक सप्ताह पूर्व बनी कमेटी अब तक कॉपी बिक्री मामले में जांच शुरू नहीं कर पाई है। हम आपको बता दें कि विश्वविद्यालय में कॉपी बिक्री का मामला सीनेट की वार्षिक बैठक में सीनेटर डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा ने उठाया था, जिस पर कुलपति ने सदन में कहा था कि मामले की जानकारी उनके पास नहीं है, जबकि कॉपी बिक्री का अप्रूवल खुद प्रभारी कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय ने दिया था। भागलपुर सह मार्केट में शनिवार को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन सह मुशायरा का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे देश के विभिन्न राज्यों से करीब 50 से अधिक शायरों ने मानवता का संदेश शीर्षक पर अपना कलाम पेश किया। देर रात तक लोगों ने शेरो शायरी का जमकर लुत्फ़ उठाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए खानकाह पीर दमड़िया के उप सज्जादा नसीं सैयद शाह फकरे आलम हसन ने कहा कि कार्यक्रम का मकसद प्रेम व सद्भावना और मानवता का पैगाम देना है। उन्होंने कहा कि देश की आंतरिक शक्ति तमाम धर्मों के मानने वालों के बीच प्रेम और भाईचारा का पाया जाना है। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश से आए हाफिज उस्मान ने कहा कि आज हर तरफ नफरत का माहौल फैला हुआ है, उसे खत्म करने के लिए मानवता का संदेश और इंसानियत का पैगाम देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन पूरे मुल्क में होने की जरूरत है। इस मौके पर गुरुद्वारा कमेटी के सचिव त्रिलोचन सिंह ने कहा कि खानकाह पीर दमड़िया द्वारा हमेशा देश की एकता व अखंडता के लिए काम किया जाता है। पटना से आए DIG अनिल कुमार सिंह ने कहा, जिसे वो कहते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उसे हम सर जमीन हिंद की खुशबू समझते हैं। देर रात तक चले मुशायरा का लोगों ने जमकर आनंद लिया। इस मौके पर शंकर कैमूरी, अशरफ याकूबी, डॉक्टर गुलाम सरवर, अशरफी, जाकिर हुसैन, उत्तम झुंझुनवाला, डॉक्टर सलाहुद्दीन अहसन, मृत्युंजय प्रताप सिंह, डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन, सैयद अहसन इकबाल, सुशील साहिल, डॉक्टर एहसान अरविंद, मोहम्मद फैज, मंजर इमाम, अनिल कुमार सिंह, शब्बीर वारसी समेत कई लोग मौजूद थे। महिला दिवस सप्ताह की शुरुआत रविवार को हो गई। इसको लेकर भागलपुर के कला केंद्र परिसर में परिधि की ओर से महिला कविता गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का संचालन परिधि की संगीता ने किया। इस दौरान डॉक्टर अलका सिंह, छाया पांडे एवं रेणु घोष ने महिलाओं के अधिकार पर अपनी बात रखी और सरकारी सेवा के साथ राजनीति में मजबूत हिस्सेदारी महिलाओं को देने की बात कही। कार्यक्रम में हिंदी एवं अंगिका भाषा में सामाजिक सद्भाव एवं महिला हिंसा को गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर सुषमा, श्वेता भारती, चंदा देवी, शारदा श्रीवास्तव, शिखा पांडे समेत काफी संख्या में महिलाएं एवं युवतियां मौजूद थी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बड़े शहरों के तर्ज पर विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा नाथनगर के दरियापुर सजौर में पहली बार। संत पॉल्स अकादमी CBSE कुरिकुलम नर्सरी से क्लास 8 तक की पढ़ाई। कैंपस कवर्ड बाय CCTV, स्मार्ट क्लासरूम्स फॉर ई लर्निंग, फुली इक्विप्ड इन्फर्मरी, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस संत पॉल्स अकादमी, दरियापुर सजौर नाथनगर भागलपुर। एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7280082712। एडमिशन इज गोइंग ऑन।
जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, सीबीएसई कॉरिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, जी छो बसंतपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। होली को लेकर जिले के कई इलाके में अवैध रूप से देसी शराब का निर्माण किया जा रहा है, जबकि पुलिस लगातार शराब कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी कर अवैध शराब को बरामद कर रही है। रविवार को जगदीशपुर पुलिस ने मखना गांव के समीप एक खंडर से भारी मात्रा में देसी शराब और शराब बनाने के उपकरण को बरामद किया है। दरअसल जगदीशपुर थाना अध्यक्ष संजय सत्यार्थी को देसी शराब बनाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद एसआई मुकेश मंडल ने दलबल के साथ मखना गांव के खंडर में छापेमारी कर 12 गैलन में बंद देसी शराब को बरामद किया। वहीं पुलिस के आने की भनक मिलते ही शराब कारोबारी राजेश चौधरी, डोमी चौधरी, बासुकी चौधरी और गोनू चौधरी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। होली को लेकर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। होली स्पेशल ट्रेन 8 मार्च को हावड़ा से चलकर भागलपुर पहुंचेगी, जो गोरखपुर तक जाएगी। होली के मौके पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ ट्रेन में उमड़ती है और ऐसे में यात्रियों को ट्रेन में सीट नहीं मिल पाती है। इसी को लेकर रेलवे ने होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। स्पेशल ट्रेन 8 मार्च को हावड़ा से खुलेगी, जबकि गोरखपुर से हावड़ा के लिए 10 मार्च को खुलेगी। वहीं भागलपुर से गुजरात के गांधीधाम के बीच भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जो 6 मार्च को गांधीधाम से खुलेगी और 8 मार्च को भागलपुर पहुंचेगी, जबकि वापसी के लिए 9 मार्च को स्पेशल ट्रेन भागलपुर से गांधीनगर के लिए रवाना होगी। गौरतलब है कि कोहरे के कारण रेलवे द्वारा दिसंबर से फरवरी तक के लिए रद्द किए गए फरक्का एक्सप्रेस, सियालदह आनंद विहार एक्सप्रेस एवं सियालदह वाराणसी एक्सप्रेस का परिचालन 1 मार्च से शुरू होगा। पुलिस जिला नवगछिया के लत्तीपाकर गांव के समीप लीची बगान से एक अधेड़ व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ है। मृतक की पहचान गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोसाई गांव निवासी पूरन डोम के पुत्र पप्पू डोम के रूप में हुई है। शव मिलने की सूचना मिलते ही काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने शव मिलने की सूचना गोपालपुर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले को लेकर परिजनों ने बताया कि शनिवार को पप्पू जुआ खेलने बगीचा गया था, लेकिन देर रात तक वह घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने पप्पू के साथ जुआ खेल रहे लोगों पर पीट पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। इधर गोपालपुर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। भागलपुर गनीचक स्थित क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल का रविवार को वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हो गया। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद स्कूल कैंपस में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर ताहिर हुसैन, डॉक्टर सोहेल, एनुल होदा और मोहम्मद इस्लाम ने बच्चों को शिक्षा का महत्व बतलाया और लगनशील होकर पढ़ाई करने की बात कही। वहीं वार्षिक परीक्षा में सभी कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को निदेशक शाहरजी इमाम एवं प्राचार्य निगार सुल्ताना ने प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया। वहीं पुरस्कार पाने के बाद बच्चों के चेहरे पर खुशी की झलक साफ दिखी। भागलपुर के इसाकचक शीतलास्थान चौक के समीप साहित्यिक सांस्कृतिक मंच की ओर से नेपाली गीत गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर विधायक अजीत शर्मा, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शंभुदयाल खेतान, संस्था के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण मधुलक्ष्मी, ब्रजेश शाह समेत कई गणमान्य अतिथियों ने किया। इस दौरान नगर विधायक अजीत शर्मा ने अंगिका भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग पर पुरजोर समर्थन किया और कहा कि विधानसभा और बिहार के मुख्यमंत्री को अंग महाजनपद और यहाँ बोली जाने वाली भाषा के बारे में जानकारी देंगे। अंगिका भाषा को उसका अधिकार मिले इसके लिए प्रयास किया जाएगा, क्योंकि यह हमारे घरों में बोली जाने वाली भाषा है और अपनेपन का एहसास कराती है। लक्ष्मी नारायण मधुलक्ष्मी ने कहा कि राष्ट्रीय कवि गोपाल सिंह नेपाली का भागलपुर एवं अंगिका भाषा से गहरा जुड़ाव रहा है और उनकी मृत्यु भी भागलपुर में ही हुई थी। नेपाली जी ने अंगिका में कई पुस्तक भी लिखी थी, साथ ही उन्होंने समस्त अंगवासियों और संगठनों से अंगिका के उत्थान करने के लिए आगे आने का आह्वान किया था। इस मौके पर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शंभू राय, प्रीतम विश्वकर्मा, पार्षद संजय सिन्हा समेत काफी संख्या में साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता एवं अंगिका प्रेमी मौजूद थे। आज की होते हैं अंगिका तो अंग प्रदेशों से रहे छे पैदा लेने छे और मातृभाषा अंगिका छे तो जे लोग एकरा उठाए गेले भूली गेलो रहिए कि इसको भी एकरा भी हम आठवां सूची में यार इसको भाषा राष्ट्रीय भाषा बनेलो जाए।
निश्चित तौर पर जो आवाज़ उठेलकै ओकरा धन्यवाद दै छी और इस आवाजके विधानसभामे भी क्वेश्चन देने छियै और ई क्वेश्चन अयतै एकरा पर जोरदार बहस करबै और माननीय मुख्यमंत्री संज्ञानमे लिए और एकेडमी के बड़ी चुनाव संघिका एकेडमी के आठवां सूची में दाखिल करे खातिर केंद्र सरकार लिखते गोष्ठी की स्थापना 11 अगस्त 2004 में हुई है। गोपाल सिंह राष्ट्रीय कवि गोपाल सिंह नेपाली के प्रति प्रेरणा से हम लोग ने इसकी गठन किया है, क्योंकि गोपाल सिंह नेपाली जी का देहावसान इसी भागलपुर रेलवे जंक्शन पर हुआ था 17 अप्रैल को और उनका अंतिम संस्कार भागलपुर में हुआ है। और भी सामाजिक संगठन और भी राजनीतिक संगठन और भी सांस्कृतिक संगठन इस कार्यक्रम का आगू बढ़ावे और एक बार हम आरो समूचा अंग महाजनपद 22 जिला यदि 22 जिला से हर जगह से आवाज़ उठे इस बैनर से उस बैनर से तब सरकार के जो कान बैठो हो गए थे उनका कान खुली आते। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव ने भागलपुर में इंटर परीक्षा कॉपियों के मूल्यांकन की धीमी रफ्तार पर चिंता व्यक्त की है। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव ने NIC में DDC सुनील कुमार एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी से कहा कि प्लस टू स्कूलों में संविदा पर बहाल किए गए अतिथि शिक्षकों से कॉपी जाँच कराई जाए, जिससे मूल्यांकन कार्यों में तेजी आएगी और समय पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सकेगा। साथ ही मूल्यांकन कार्यों में शामिल नहीं होने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया, लेकिन अब तक केवल 244 शिक्षकों ने ही जवाब दिया है। इस दौरान कई अन्य समस्याओं की जानकारी भी वरीय पदाधिकारियों को दी गई। कचहरी चौक के समीप एक होटल में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चलने वाले 2 दिवसीय हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर पर मल्टी स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर विजय कुमार सिंह, राज्य स्वास्थ्य समिति के सलाहकार शालिनी सिन्हा, RPM अरुण प्रकाश, DPM फैजान अशरफी एवं आशा समन्वयक कुणाल कुमार ने आशा कार्यकर्ताओं को विभिन्न रोगों की पहचान एवं देखभाल की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। और अंत में चलते चलते एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। व्यवसायी चंद्रशेखर मंडल हत्याकांड का नवगछिया SP निधि रानी ने किया खुलासा, जेल में रची गई थी हत्या की साजिश, एक अपराधी गिरफ्तार। 3 दिवसीय विक्रमशिला महोत्सव के दूसरे दिन कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन, स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति ने मोहा दर्शकों का मन। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री विनोद सिंह कुशवाहा पहुंचे भागलपुर, सम्राट जागृति मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। 1 सप्ताह बाद भी शुरू नहीं हुई है कॉपी बिक्री मामले की जांच, कार्यक्रम में एक ही मंच पर दिखे प्रभारी कुलपति और जांच कमेटी के सदस्य। और भागलपुर शाह मार्केट में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन, सज्जादा नसी ने दिया शांति और भाईचारा का पैगाम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।